हाउ टू जनरेट 10,000 लीड्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तैयार हो क्या? निकाल ली जाए ईमेल और फोन नंबर। चलो, टूल का नाम है मेलजार। ये फटाफट ये एक्सटेंशन डाउनलोड करो अपने लैपटॉप के अंदर, जैसे ही हो जाए बताओ। जैसे ही आपने किया होगा ऊपर एक ब्लू कलर का आइकन आया होगा, दिख रहा है ऐसा ब्लू कलर का आइकन आया होगा ऊपर। ये ब्लू कलर का आइकन जो है ये है बेसिकली आपका टूल। ये ऊपर ब्लू कलर का जो आइकन है इसको बोलते हैं मेलजार। ये आपके काम की चीज है, ये है आपकी लीड जनरेशन की मशीन। यूज कैसे करना होता है? यूज करने का तरीका है google.com। इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपका मार्केट क्या है। अगर आपको अपना मार्केट पता है तो आप खेल पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता मैं किस मार्केट में जा रहा हूँ तो ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट, होटल, सलून, जो भी है आपको पता होना चाहिए कि किस पे काम करेगा। समझ में आया? तो फॉर एग्जाम्पल हम अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं रेस्टोरेंट्स। आपको क्या करना है, आपको लिखना है रेस्टोरेंट्स इन डैश इन डैश एट जीमेल एट आउटलुक प्लस 91। दिख रहा है सामने? ठीक है, ये टेक्स्ट है। इसमें रेस्टोरेंट्स को होटल कर दो, सलोन कर दो, जिम कर दो, जो करना है कर दो। इसको दिल्ली, मुंबई, गुजरात, जो करना है कर दो। रेस्टोरेंट्स इन दिस, ठीक है। अब मुंबई की जगह तुम कनाडा कर दो, न्यूयॉर्क कर दो, ऑस्ट्रेलिया कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ये लिखा इस पे आपको एंटर दबाना है। आपने क्या करा, आपने गूगल पे एक SQL क्वेरी चलाई है। जिसको कोडिंग नहीं आती बता रहा हूँ, SQL क्वेरी चलाई है। SQL क्वेरी का सिंपल मतलब ये होता है कि ऐसी क्वेरी जिससे आप डेटाबेस के अंदर देख सकते हो। ये डबल कोट जो अपने यूज किया है ना, ये डेटाबेस के अंदर देखने का तरीका होता है। तुम्हें दिमाग लाने की जरूरत नहीं, बस समझ लो कि हाँ ये ऐसा कुछ होता है। अपने को जाने की जरूरत नहीं कैसे होता है। जैसे तुम्हें ये नहीं पता ना कि सेम रेड कलर का क्यों हो जाता है, पर खाते हो ना, सेम तरीका है। ठीक है, एंजॉय करो, फ्रूट एंजॉय करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मेरे को भी नहीं आता इसलिए मैं भी इतना जानता हूँ SQL से कुछ होता है। नाउ एनीवेज, तुमने गूगल को ऐसा बोला, सुनो भाई गूगल, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं मुंबई में और उसके वेब पेज के ऊपर ये यूज हुआ है, ये यूज हुआ है और ये यूज हुआ है, तो उसकी लिस्ट निकाल के मुझे दिखा दे। सिंपल से आपने आदेश दिया गूगल को। गूगल ने बोला ओके भाई, फटाफट से आपको ला दी लिस्ट। जैसे ही लिस्ट लाई, आपको कुछ नहीं करना है। ये मेलजार का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करने का है। ये ईमेल्स बाहर आ गए, कॉपी, काम खत्म। नीचे आए, नीचे आए, ये टू पे गए, फिर से इस पे क्लिक किया, न्यू ईमेल्स फाउंड। फिर नीचे आए, इस पे क्लिक किया, फिर ये किया, फिर नया ईमेल फाउंड। अब ये फोन नंबर दिख रहा है, फोन नंबर्स पे क्लिक करोगे तो फोन नंबर्स भी बाहर आ जाएंगे। बूम, माइंड ब्लोन इफ यू आर माइंड ब्लोन अगेन। ये यहाँ पे आए, फोन नंबर्स पे क्लिक किया, ये फोन नंबर्स बाहर आ गए। समझ में आया? इजी काम। जिसको ये भी एक बार में समझ नहीं आया, बिजनेस मत करना, तुम्हारे बस की नहीं है। मतलब ये भी एक बार में समझ नहीं आया तो छोड़ दो। पावरफुल। अब बस 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज पे जाओ, टक 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 दबाते जाओ, आपके ईमेल्स बाहर आते आएंगे, निकलते आएंगे। गूगल शीट पे पेज करो, CSV अपलोड करो, मेल बस्टर में ईमेल सेंड, काम खत्म। गुड वर्क। चलो,